नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूज में मैं मुकेश वत्स आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी गाजियाबाद में पब्लिक एशिया की टीम कोरोना वायरस को लेकर कवरेज कर रही थी, तभी देखा कि हिंडन नदी के पास कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। करीब 25 से 30 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमारी टीम ने पुलिस को जाके अवगत कराया कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको भगाया और उनके घर घर जाके समझाया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नहीं, ये तरीका नहीं है ना। इस तरह से ये आदमी घरों में घटना हो रहा है। बच्चे बनाने का मिला, मुकदमा लिखा जाएगा सबके खिलाफ। अपडेट कर दो आके, बस चलो आ जाओ। तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा, मतलब घर वाले तुम लोग भी चूतिया हो। हर बात कहने के लिए आना पड़ेगा पुलिस को। बच्चे तो तुम बच्चे हैं, दिमाग नहीं है, बुद्धि ये नो क्या। आज इसका नाम घर में डुब्बा बैठा हो, तुम मैच खिलवा रहे हो या मैच खिलवा रहे हो यहाँ पर। चलो, कोरोना वायरस के कर्फ्यू को लेकर हर जगह मिला जुला असर देखा गया। कहीं लोग घर में घुसे रहे तो कहीं कई लोग घर से बाहर दिखे, कुछ जरूरत की वजह से तो कुछ मुआयना करने के लिए। इसी पर हमारी रिपोर्टर पूजा मिश्रा और मोहिनी ने की खास रिपोर्ट नोएडा और गाजियाबाद से। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज और आज हम खड़े हैं लेबर चौक में, जहां कुछ अधिकारी हमें नजर आ रहे हैं। जनता कर्फ्यू के बाद लोगों ने घर से निकलना काफी कम कर दिया है और जो लोग घर से निकल रहे हैं पुलिस उसे क्या सलाह दे रही है और हमारे पीछे कुछ अधिकारी मौजूद हैं, वो कितना सराहनीय काम कर रही है, चलिए बात करते हैं पुलिस से। हेलो सर जी। सर, यहाँ पे जो जनता आ रही है आप उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं? हम उनको घर में रहने की सलाह दे रहे हैं, बाहर नहीं निकले। हाँ। और जो लोग यहाँ पे, कितने लोगों का आना जाना रोज का होता है? अब तो काफ़ी कम है, जो मजबूरी जिसकी है, जो बीमार हैं वही लोग जा पा रहे हैं, वरना सभी को बंद कर दिया गया। और जनता आपका किस प्रकार समर्थन दे रही है? बहुत अच्छा समर्थन दे रही है। मजबूरी में जो आदमी निकलता है, बीमार है, वही जाएगा, बाकी लोग नहीं जाएंगे, सब बंद कर दिया है। तो देखा आपने, पुलिस अधिकारी ने हमें ये बताया कि जनता उनकी पूरी तरह से समर्थन में है। नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिनी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, जनता कर्फ्यू जो एक दिन का ट्रायल लेके हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था 22 मार्च के लिए, उसमें पब्लिक का समर्थन देखते हुए उसको आगे 31 मार्च तक जारी किया हुआ है। तो हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इन सड़कों पर जो बहुत ज़्यादा तैनाती में, जहाँ पर गाड़ियाँ चला करती थी, इस वक्त वह सुनसान पड़ी हुई है। जो इक्का दुक्का लोग भी निकले हुए हैं वह सरकार की इजाज़त से अपने ज़रूरी काम के लिए निकले हुए हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से पूरी इजाज़त है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे कि किस तनाव में यहाँ लोग निकल रहे हैं। क्या वह ज़रूरी काम से ही निकल रहे हैं या जो इक्का दुक्का लोग निकले हुए हैं उनको वह क्या सलाह दे रहे हैं, आइए देखते हैं। हेलो सर। सर, आप यहाँ पे सुबह से खड़े हैं तो सर, मतलब लोग जो निकल रहे हैं वो ज़रूरी काम से ही निकल रहे हैं, कितने तादाद में निकल रहे हैं? बहुत कम आदमी निकल रहे हैं, जो किसी दवाई लेनी है या सब्जी खरीदनी है या दूध लेना है वही लोग आ रहे हैं, बाकी जो अनावश्यक रूप से आ रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है और समझाया जा रहा है और चालान किया जा रहा है अगर कोई नहीं मानता तो। और पूरा अच्छा काम चल रहा है, पहले टाइप रोड पर बहुत भीड़ होती थी लेकिन अब बस आवश्यक कार्य वाले ही आ रहे हैं, नहीं बाकी कोई नहीं आ रहा। मान्य प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन कर रहे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा? सर, जो लोग निकले हुए हैं, मतलब कुछ जो लोग निकले वो बोल रहे होंगे हम डॉक्टर के पास या किसी काम से, तो सर उनके बोलने पर ही आप लोगों, मतलब उन पर भरोसा करके उन्हें जानिए या फिर कुछ?
पर्चा है, पर्चा देखते हैं, आई कार्ड देखते हैं, डॉक्टर का पर्चा देखते हैं, हॉस्पिटल का नाम पूछते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, नहीं वापस भेज देते हैं। ओके थैंक यू सर। तो देखा जैसे कि आपने पूरी सावधानी के साथ उनकी चेकिंग करके उन्हें भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर नोएडा सेक्टर 22 चौड़ा मोड़ पर है। यहाँ पर कई तैनात में मार्केट लगाई जाती है। आप जानते होंगे कल से नवरात्रे हैं, 25 मार्च से नवरात्रे शुरू हैं और इस मार्केट में साप्ताहिक बाजार या दुकानों पे नवरात्रों को लेकर भीगम भीड़ देखी जाती है। लेकिन कोरोना वायरस का साया नवरात्रों पर भी पड़ चुका है, तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि नवरात्रों को लेके उनका क्या विचार है, कोरोना वायरस की वजह से वह नवरात्रे मनाएंगे या नहीं मनाएंगे। हेलो आंटी, आपका नाम? आंटी आपको पता है कल से नवरात्र है, तो जो नवरात्र आप कोरोना वायरस की वजह से नवरात्रे मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? मनाएंगे तो सही, पर कभी हम करेंगे जो थोड़ा बहुत जो हमारे पास है, जो अवेलेबल है वही करेंगे। मतलब पूरी तरीके से हमारी कोई तैयारी नहीं है, जो हो पाएगा वही घर में। मतलब कोरोना वायरस का प्रकोप आप नवरात्रों पर नहीं पड़ने देंगे? नहीं नहीं, जो हो पाएगा करेंगे, घर में ही रहना है, हमने बाहर तो जाना नहीं है, तो घर में जो हो पाएगा करेंगे पूजा अपनी जगह। तो जैसा कि आपने सुना कोरोना वायरस का कोई प्रकोप हम नवरात्रों पर नहीं पड़ने देंगे, शायद क्या पता देवी माता ही हमारी कोरोना वायरस को दूर भगाने में हमारी सहायता करें। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।